अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जुगाड़ बताते हुए ये कहा कि जाने कब ये बिखर जाए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के भाजपा में सीएम दावेदार को कुकुरमुत्ता बताने के बयान पर दरअसल पलटवार किया सतीश पूनिया ने और ये कहा कि ये शब्द कांग्रेस पर ज्यादा फिट बैठता है। साथ ही बीजेपी में नेतृत्व के लिए बयान देने वालों को शिशुपाल बताते हुए पूनिया ने कहा कि उनकी 99 गलतियां माफ की जाएंगी लेकिन 100वीं गलती होते ही उचित सजा भी उन्हें दी जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि और वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी, अभी कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, जाने कब बिखर जाए। अभी हाईकोर्ट ने सरकार के जुगाड़ पर रोक लगा रखी है लेकिन जनता का हाईकोर्ट जुगाड़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन इंजेक्शन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के मुंह तक निवाला पहुंचाने से रोकने का पाप किया है। भाजपा नेताओं में वर्चस्व को लेकर समर्थकों के बयानबाजी के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देने वालों को शिशुपाल बताया। कांग्रेस पार्टी बहुत जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी और जुगाड़ के बारे में आप सब लोग जो पूर्वी राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं, फंटा किसी का होता है, टायर किसी का होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न होता नहीं, खुद ही वो गाड़ी बजती रहती है। तभी तो कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, कब बिखर जाए। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया कि लोगों के भीतर एक भय पैदा हो, पैनिक हो और उससे भारत की सरकार बदनाम हो। इंजेक्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया, पैनिक हो। जो सरकार बेड की दलाली को नहीं रोक सकती, नकली दवाओं को नहीं रोक सकती, कालाबाजारी को नहीं रोक सकती, इसलिए उस सरकार की नियत में खोट। शिशुपाल की भी 99 गालियां कृष्ण जी ने बर्दाश्त की थी, 100वीं गाली पे बर्दाश्त होती नहीं है। और ये प्रभारी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के भाजपा में कुकुरमुत्ते की तरह सीएम पद के दावेदार होने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि कुकुरमुत्ते शब्द कांग्रेस के लिए ज्यादा फिट बैठते हैं। मुझे लगता है कि धारीवाल को बुढ़ापा आ गया है, स्मृति भी गई। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह की तरह कांग्रेस पार्टी को खत्म करने पर तुले। मुझे लगता है कि उनको बुढ़ापा आ गया, विस्मृति भी हो गई, लेकिन ये कुकुरमुत्ते का शब्द तो कांग्रेस के लिए ज्यादा फिट बैठता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का मैं इन दिनों की हालत देख रहा हूँ कि बयानों पर जिंदा है और अपने अंतिम पड़ाव को मुझे लग रहा है कि बहादुर शाह जफर की तरह इस्तेमाल करके इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए। बगावत को लेकर कांग्रेस बीजेपी का हाल एक जैसा ही है। दोनों पार्टियां अपनी कमीज को एक दूसरे से ज्यादा उजली बता रही हैं। उम्मीद है कि राजस्थान की सियासत से बगावत का वायरस जल्द खत्म हो, वरना इसका खामियाजा दोनों पार्टियों के साथ ही जनता को भी भुगतना तय है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।